सामूहिक आत्महत्या मामले में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सामूहिक सुसाइड की वजह बनी बहू को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मधुमिता सरकार को रांची पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सदर थाना क्षेत्र के रिवर्सा अपार्टमेंट के फ्लैट में ये सामूहिक सुसाइड हुआ था। बहू के द्वारा केस में फंसा देने से पूरा परिवार परेशान था। मधुमिता ने कई एनजीओ के माध्यम से परिवार पर दबाव बनाया था। परिवार ने बहू की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की थी। सेना के रिटायर्ड डॉक्टर सुकांतो सरकार के साथ लोगों ने सुसाइड की थी। आपको बता दें, सामूहिक आत्महत्या मामले में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सामूहिक सुसाइड की वजह बनी बहू को रांची पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, सामूहिक सुसाइड की वजह बनी बहू को रांची पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है, आखिर क्या पूरा मामला है, किन वजहों से पूरे परिवार को जो है एक साथ जो है सुसाइड करना पड़ा? देखिए, यह मामला तकरीबन 7 साल पुराना है। जब रांची के सदर थाना क्षेत्र के कॉकर चौक के पास एक अपार्टमेंट में यह पूरा परिवार रहा करता था, लेकिन अचानक बहू के द्वारा जो है पिछले कई सालों से लगातार टॉर्चर किया जा रहा था कि उसे किसी केस में फंसा दिया जाएगा और परिवार के तमाम लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के परिवार में कलह लगातार हो रही थी, विवाद काफी हो रहा था। तो ऐसे में जो आर्मी से पूर्व रिटायर अधिकारी थे सुशांतो सरकार, उसने अपने परिवार में मौजूद पति पत्नी बेटे बहू और अन्य तमाम जो लोग थे उस वक्त परिवार में मौजूद, तमाम लोगों को नशे के इंजेक्शन और शायद कई जहरीले पॉइजन से तमाम लोगों को दे करके तमाम लोगों जो है एट ए टाइम एक वक्त में 6 लोगों की उस वक्त मौत हो गई थी। आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद खुद अपने आप को हाथ के जो नशे हैं उसको काट करके आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि उस वक्त वो मौजूद थे, जिंदा थे, लेकिन बाद में उनका इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तो मतलब एक साथ 7 लोगों की मौत जो है इस पूरी घटना में हुई थी। और जिसके बाद पूरे मामले में केस दर्ज किया गया था। रांची पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज करते हुए जब मामले के आगे की सुनवाई कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मृतक के जो बेटे हैं उनकी बहू ने ना सिर्फ अलग अलग एनजीओ के माध्यम से पुलिस प्रशासन को दिए गए आवेदन के आधार पर और कई अन्य माध्यम से पूरे परिवार को फंसाने की धमकी दे रही थी। और इसी धमकी से परिवार के जो लोग हैं वो काफी सदमे में थे, क्योंकि एक सम्मानित परिवार के रूप में जाना जाता, संपन्न परिवार के रूप में जाना जाता था। तो ऐसे में परिवार के बीच में जिस तरह का जो विवाद हो रहा था, इस विवाद का निपटारा नहीं हो पा रहा था। और कहीं ना कहीं पूरा परिवार को ये भय था कि किसी दिन पुलिस आएगी और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके। क्या वजह रही जो बहू जो थी इस तरह से टॉर्चर कर रही थी परिवार को और इस वजह से सभी को परेशान होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़े? देखिए, पूरा विवाद जो था वो प्रॉपर्टी सहित अन्य कई तरह की विवाद थे। पति पत्नी के साथ भी रहने को लेकर अक्सर खटास हुआ करता था और अलग होने की बात बहू किया करती थी, जिसे नकारते हुए सभी जो है वो सामूहिक रूप से रहना चाहते थे। लेकिन बहू जो है वो लगातार एनजीओ के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से या दूसरे परिवार के दूसरे लोगों के माध्यम से हमेशा विवाद किया करती थी। इसी को लेकर के पूरा विवाद उत्पन्न हुआ था। और फिर एक साथ एक दिन में ही तमाम लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। 6 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी, आत्महत्या कर लिया था, जबकि एक व्यक्ति की मौत जो है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गई थी। एक ऐसी घटना जो रांची को दहला दी थी, दिल दहला देने वाली पूरी घटना थी,
जिसके बाद पूरे मामले की जांच जो है रांची पुलिस कर रही थी। उस वक्त तत्कालीन सिटी एसपी मौजूदा एसएसपी कौशल किशोर ही हुआ करते थे। कहने का इस पूरे मामले को लेकर के जब जांच कराई गई, जांच में ये बातें सामने आने लगी कि कहने का बहू के किए गए टॉर्चर का यह नतीजा था जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने कोलकाता में छापेमारी करते हुए आरोपी महिला को इमरान शादी को कितने साल हुए थे और कितने साल के बाद जो है इस तरह की परेशानी घर में आ रही थी। देखिए 2016 का यह पूरा मामला है और उस वक्त जिस वक्त बहू ने टॉर्चर किया करना शुरू किया था, शादी का कुछ ही साल हुए थे, एक दो साल ही हुए थे और उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में परेशानी जो है वो सामने देखने को मिल रही थी, क्योंकि अपार्टमेंट के लोग भी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को जानकारी दे कि बहू के द्वारा अक्सर इस तरह का जो विवाद है वह उत्पन्न किया जाता है, घर के अंदर से झगड़े झंझट की आवाजें आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के पुलिस ने उस वक्त संज्ञान में लिया और एफआईआर दर्ज की थी। और अब जब केस को ट्रू किया गया, सारे एविडेंस को खंगाला गया, कई लोगों से पूछताछ की गई, पूछताछ के आधार पर ये बातें बिल्कुल इशारा करने लगी कि कहीं ना कहीं बहू के द्वारा किए गए टॉर्चर के आधार पर ही पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। इसलिए रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोलकाता से अब जाकर के तकरीबन 7 साल बाद इस साथ जो आत्महत्या की घटना हुई थी सामूहिक रूप से, उनका खुलासा रांची पुलिस कर रही है और बहू को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कोलकाता से रांची पुलिस जो है बहू को लेकर के रांची पहुंच गई है और इस पूरे मामले पर उसे आज जेल भेजने का काम किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।